इसी वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग किस तरह से लेते हैं। रीडिंग का फॉर्मूला हमें मिल गया था, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो वो सारे क्वेश्चन हमने जिसमें किए थे वो सारे वर्नियर कैलिपर कैसे थे, एक्यूरेट थे। अब क्या हो सकता है कि कई बार आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हो सकता है। अब ये डिफेक्ट बहुत लंबे टाइम से यूज करने की वजह से हो सकता है या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वर्नियर कैलिपर में अगर आप उसके जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हो तो फिर उसके जॉज एक दूसरे से क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। कुछ इस तरह से मैं जॉज को ड्रॉ कर सकता हूँ, उनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। तो फिर जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये भी क्या करने चाहिए, एक दूसरे से कोइंसाइड करने चाहिए। ऐसा जो वर्नियर होता है जिसमें कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं फिट की है तो दोनों जीरोस आपस में कोइंसाइड कर रहे हो, ऐसे वर्नियर को हम कहते हैं क्या, एक्यूरेट वर्नियर। लेकिन कई बार डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, जब आपने जॉज के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं भी रखा है और आपने और दोनों जॉज को कॉन्टेक्ट में रखा है तब भी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड ना करे। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम कह देते हैं कि हमारे वर्नियर कैलिपर में क्या है, जीरो एरर है। अब ये जीरो एरर का मतलब ये नहीं है कि एरर नहीं है, जीरो एरर का मतलब ये हो गया कि जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसे नाम देते हैं क्या, जीरो की एरर। ठीक है ना। तो दो तरह की जीरो एरर होती है जो हमें समझनी होती है। पहला मैं ले लेता हूं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब बोला जाता है, जब आपने एक्सटर्नल जॉस को आपस में कनेक्ट कर दिया और ऐसा देखा गया कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, बल्कि वर्नियर स्केल का जीरो टू दी राइट होता है किसके, मेन स्केल के जीरो से, तो फिर हम कह देते हैं कि क्या है ये, पॉजिटिव जीरो एरर। तो आप अपने वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर कब बोलोगे, जब आपका वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के कंपैरिजन में राइट में शिफ्टेड हो, जबकि आपने जॉज को क्या किया है, आपस में कनेक्ट कर रखा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह देते हो पॉजिटिव जीरो एरर। अब आप सोचिए, देखो अगर ये जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं और हल्का सा राइट में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रीडिंग तो आ ही रही है। कितनी रीडिंग आ रही होगी, इतनी सी रीडिंग पहले से ही वर्नियर कैलिपर में आ रही है। तो जब हम इससे कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो क्या होगा, अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट लोगे तो उसमें इतनी रीडिंग हमेशा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। समझ आई बात। तो इसी एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है हमें वो समझना है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई होगी, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाता है जब आपके वर्नियर स्केल का जीरो टुवर्ड्स द राइट हो ऑफ मेन स्केल। ठीक है ना। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। पहली बात तो आप एरर को प्लस साइन के साथ लिखते हो क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। उसके बाद हम क्या देख लेंगे, हमें सिर्फ ये वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है। अगर मुझे ये वैल्यू मिल गई तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट लूंगा, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से इतनी लेंथ क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमें ऑब्वियसली ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगी, तो फिर उसमें से ये एरर हट जाएगी। तो हम इसी लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। एरर आप क्या बता सकते हो, एरर को हम बता देते हैं कोइंसाइडिंग डिविजन डिविजन इंटू लीस्ट काउंट। ये एरर बेसिकली यही वाली तो रीडिंग है, तो हमें पता है रीडिंग किस तरह से ली जाती है। मेन स्केल रीडिंग तो कितनी हो गई है, जीरो हो गई है, तो जीरो प्लस कोइंसाइडिंग डिविजन इंटू लीस्ट काउंट, यही आपकी क्या हो जाएगी, एरर। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव जीरो एरर। तो जो फाइनल रीडिंग हम देंगे, फाइनल रीडिंग आप दोगे मेजर्ड वैल्यू, जो भी आपने इस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली है, माइनस एरर। और यहां पे कौन सी एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो अगर आप पॉजिटिव के साइन के साथ इस एरर को रखोगे तो वो मेजर्ड वैल्यू में से क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपने कैसा करेक्शन किया है, तो हम कह देते हैं हमने नेगेटिव करेक्शन किया है, क्योंकि हमारा वर्नियर कैलिपर जब कुछ नहीं था तब भी कुछ ना कुछ रीडिंग ले रहा था, इसलिए जब हम फाइनली रीडिंग लेंगे तो उसमें से वो एरर वाली रीडिंग हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव करेक्शन कर देंगे, ताकि हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल सके। समझ आई बात।
तो इसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और इस तरह से हम रेक्टिफाई करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। समझ आ गया होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर बना हुआ है, और आप देख सकते हो कि जब उसके जॉज आपस में कनेक्टेड हैं तब भी उसका मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कितनी जीरो एरर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है। समझ आई बात। मैं क्या करूंगा, सिंपली एरर निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पहली चीज तो ये देखनी है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में है, इससे मुझे समझ आए कि एरर तो कैसी है, पॉजिटिव जीरो एरर है। उसके बाद मैं देखूंगा कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो अगर आप कोइंसाइडिंग डिवीजन देखो तो वो कितना आ जाएगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन अगर हम ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में तो वो आपको मिलेगा 3। जो थर्ड डिवीजन होगा वो क्या कर रहा है, वर्नियर स्केल का एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है किससे, मेन स्केल से। तो आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गया 3 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने का तरीका तो हमें पता ही है, वो हो जाता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ आई बात। यहां से हम अगर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है और 10 वीएसडी, ये क्वेश्चन में रिलेशन दी गई है कि 10 वीएसडी इज इक्वल टू 9 एमएसडी। तो यहां से आप सिंपली निकाल सकते हो कि 1 वीएसडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 बाय 10 एमएसडी, और 1 एमएसडी 1 एमएम है यानी कि 0.9 एमएम। तो 1 वीएसडी आपको मिल गया है 0.9 एमएम, 1 एमएसडी आपको पता है कितना है, 1 एमएम। तो लीस्ट काउंट भी आप बता सकते हो इंस्ट्रूमेंट का, वो हो जाएगा 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1 एमएम। तो ये आपको मिल चुका है क्या, लीस्ट काउंट, उसी को मैं यहां पर रख दूंगा। एरर आपको कितनी मिल गई, एरर हमें मिल जाएगी प्लस 3 इंटू 0.1 यानी कि 0.3 एमएम। तो इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी मैं रीडिंग लूंगा वो सारी रीडिंग्स 0.3 एमएम ज्यादा आने वाली। समझ आई बात। तो आप समझ भी गए होंगे, जैसे पॉजिटिव जीरो एरर तब आती है जब आपका वर्नियर स्केल का जीरो टू द राइट होता है मेन स्केल के जीरो से। सिमिलरली नेगेटिव जीरो एरर तब आती है जब आपका मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो कोइंसाइड ना करें, और वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड में चला जाए किससे, मेन स्केल से। अगर ऐसा हो गया कि जब हमने जॉस को कनेक्ट किया था तब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे जा चुका है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब जॉस कनेक्टेड है तब रीडिंग कैसी आ रही है, नेगेटिव जैसी आ रही है। या मैं ऐसा कहूं कि जब जॉस के बीच में थोड़ा मैं गैप करूंगा अभी तब ये शिफ्ट होना चालू करेगा राइट की तरफ। तो इस बार हमारा वर्नियर कैलिपर रीडिंग कैसी ले रहा होगा, कम ले रहा होगा, जैसे प्रीवियस केस में वो क्या कर रहा था, रीडिंग ज्यादा ले रहा था। तो इस केस में आप एरर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हो वो हो जाता है आपके टोटल वर्नियर डिविजन्स माइनस कोइंसाइडिंग डिविजन इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी नेगेटिव जीरो एरर निकालते हैं। और क्योंकि ये एरर है और नेगेटिव जीरो एरर है, इसलिए इस एरर को हम नेगेटिव साइन के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आई बात। तो ई बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, एरर हो जाएगी टोटल वर्नियर डिविजन माइनस कोइंसाइडिंग डिविजन इंटू लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए। समझ आ रही बात। फिर फाइनल रीडिंग में हम क्या करेंगे, रीडिंग देने का तरीका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इस बार आपके इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया है, रीडिंग कम मेजर की है, तो आपको रीडिंग क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो वो हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, रीडिंग का फॉर्मूला हमेशा रहता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, लेकिन इस बार एरर के साथ पहले से क्या है आपके पास, एक माइनस साइन है। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपकी रीडिंग कैसी होगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह देते हैं कि हमने क्या किया है, पॉजिटिव करेक्शन किया है। तो अगर मैं समराइज करूं वापस से, तो हमारे वर्नियर कैलिपर में दो तरह की एरर हो सकती है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर किसको बोलते हैं, जब आपका वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में चला जाए मेन स्केल के जीरो से।
ऐसे केस में जो एरर आती है वो पॉजिटिव आती है, और फॉर्मूला हम यूज करते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। एक्यूरेट रीडिंग निकालने के लिए हम मेजर्ड वैल्यू में से एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही फॉर्मूला हमेशा रहता है। क्योंकि आपकी एरर पॉजिटिव है तो माइनस साइन रहेगा और आपकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसी को हम कह देंगे रीडिंग। तो पॉजिटिव जीरो एरर वाले केस में हम जो करेक्शन करते हैं वो नेगेटिव करेक्शन कहलाता है। सिमिलरली नेगेटिव जीरो एरर आप कहते हो जब आपका वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड में चला जाए मेन स्केल के जीरो से। ऐसे केस में हमारा वर्नियर कैलिपर कम रीडिंग ले रहा होता है, इसलिए हम एरर जो कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से करते हैं, जो हो जाता है टोटल वर्नियर डिविजन्स माइनस कोइंसाइडिंग डिविजन इनटू लीस्ट काउंट। एक बार हमारे पास एरर आ गई है तो उसके आगे हम क्या लगा के रखते हैं, माइनस साइन लगा के रखते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है। फिर फाइनल रीडिंग निकालने का तरीका वही है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, लेकिन इस बार नेगेटिव है एरर, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और फाइनल रीडिंग मेजर्ड वैल्यू से क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो इस केस में यानी नेगेटिव जीरो एरर के केस में हमने जो करेक्शन किया है वो कहलाता है पॉजिटिव करेक्शन, क्योंकि आप रीडिंग को क्या करते हो, बढ़ा देते हो। किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक एग्जांपल इसके ऊपर भी कर लेते हैं। तो यहां पे हमें फिर से एक वर्नियर कैलिपर दिया गया है, और आप देख सकते हो कि जब इसके जॉज कनेक्टेड हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड में है मेन स्केल के जीरो से। तो आपको बताना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, क्या क्या हमें दिया गया है? तो आपको सबसे पहले दिया गया है कि एक मेन स्केल डिविजन की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, और 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स ये इक्वल है 9 मेन स्केल डिविजन्स के। तो मैं 1 VSD यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, जो कि आ जाएगा 0.9 MSD, यानी कि 0.9 mm। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, लीस्ट काउंट हमारे वर्नियर कैलिपर की, जो हो जाती है 1 MSD माइनस 1 VSD। सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 0.1 mm। समझ आई बात? ये हमें मिल चुका है लीस्ट काउंट। अब क्योंकि आपको नेगेटिव जीरो एरर निकालनी है, तो एरर का सिंपली फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, नेगेटिव साइन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल में कितने हैं, 10 हैं। माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? अगर देखा जाए कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, तो आपको दिखेगा चौथा डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो -4 इंटू लीस्ट काउंट हमारे इंस्ट्रूमेंट का 0.1 है। यहां से आपको एरर मिल जाएगी कितनी, -0.6 mm। तो ये आपको मिल चुकी है एरर। अब जो भी रीडिंग होगी उसमें से हम क्या करेंगे, इस एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्योंकि इसके पास पहले से माइनस साइन है तो वो ऑब्वियसली रीडिंग में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये आपको समझ आया? तो ये था आपका डायरेक्ट वर्नियर, जो कि खत्म हो गया है। डायरेक्ट वर्नियर में सिंपली हमने बस क्या देखा है, किस तरह से रीडिंग देखते हैं, और दो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो समय आ चुका है प्रॉब्लम्स करने का। आंसर क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, पर आपको ट्राई करना है निकालने का, फिर भी बताओ जरा पहला हो पाता है कि नहीं हो पाता। प्रॉब्लम नंबर 1 दी हुई है आपको, एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आपको बतानी है उसमें एरर कितनी है। आपको बस क्या करना है, ये लेंथ जितनी है वही तो मेजर करना है, वही तो आपकी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगा देना, कोइंसाइडिंग डिविजन इनटू लीस्ट काउंट। वो बात सही थी जो हमने फॉर्मूला निकाला है कि एरर हो जाती है आपकी कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, पर वो फॉर्मूला कब आया था, जब देखो मैंने जो एरर ली थी उस केस में मैंने वर्नियर स्केल का जीरो जस्ट राइट में रखा है, किसके, जीरो के, यानी पहली रीडिंग भी नहीं आ पाई है मेन स्केल की। ठीक है, तो एरर का फॉर्मूला एकदम अगर आप बिना दिमाग लगाए रट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको करना क्या है, बेसिकली ये रीडिंग ही तो कैलकुलेट करनी है। तो रीडिंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो जाता था, रीडिंग कैलकुलेट करने का तरीका हो जाता है मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। समझ आई बात? तो यही चीज है, बस मैं रीडिंग कैलकुलेट कर लेता हूं। आप देखो कि जब आपका जीरो 0.1 तो रीड कर ही चुका है ना, उससे ज्यादा ही रीड कर रहा है, देखें अगर इसे हम, तो हमारी जो एरर है वो 0.1 तो आ ही चुकी है, उससे ज्यादा ही है आपकी एरर। तो ये जो छोटी सी दूरी है ये आपको किससे मिलेगी, ये आपको मिलेगी कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट से। लेकिन उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.1 तो ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये आपको मिलेगा मेंस की रीडिंग 0.1 mm आ चुकी है प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो यहां 9th डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, और इनटू लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.1 है, तो ये आपको मिलेगा 1.9 mm।
और कैसी एरर है ये, पॉजिटिव जीरो एरर। समझ आई बात, क्या क्लियर हुआ मैंने क्या किया? आपको सिर्फ क्या करना है, एरर में फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको ये देखना है कि भाई जब हमारे जॉज कनेक्टेड हैं उस समय वर्नियर कैलिपर कितनी रीडिंग दे रहा है, और रीडिंग निकालना हम सीख चुके हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट पॉजिटिव जीरो एरर वाले केस में। अब जनरली क्या होता है, इतनी बड़ी एरर होती नहीं है, ठीक है ना, जरा सा डिस्प्लेस होता है जीरो, इसलिए हम मेन स्केल रीडिंग जीरो ले लेते हैं क्योंकि वो जीरो होती होगी, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो जरा सभी लोग, इसमें आपको बताना है कि एरर कितनी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट हमारे वर्नियर कैलिपर का कितना होगा, 0.1 mm होगा, इसे मैं बार बार नहीं करूंगा, सेम रिलेशन है क्योंकि आपको दिया हुआ है 10 VST, ये इक्वल है किसके, 9 MSD के, और 1 MSD आपको दिया हुआ है कितना है 1 mm, तो हमें पता ही है उससे लीस्ट काउंट कितना आ जाता है हमारा, 0.1 mm आ जाता है। अब यहाँ पे हमें एरर निकालनी है, तो एरर कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी वही केस है, अगर आप देखो तो 1.1 मिलीमीटर तो रीडिंग आ ही चुकी है, दिख रहा है कि नहीं, अगर जस्ट पीछे होता जो हमने स्टैंडर्ड केस लिया था, यहाँ पे जीरो रहे और हमारा वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे और पहला डिवीजन यहाँ होना चाहिए, तो फिर हम कहते हैं कि जीरो आ चुकी है रीडिंग। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो रीडिंग कुछ ये सिचुएशन है कि मेन स्केल का जीरो अगर यहाँ है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ है और एक डिवीजन यहाँ आ चुका है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इतनी लेंथ तो पीछे है ही, तो जो हमने एरर का फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, उससे तो मुझे ये छोटी वाली दूरी मिलेगी, सिर्फ ये वाली दूरी, तो ये तो पार कर ही चुका है ना पहले पीछे, और वो कितना है वो आपको पता है 0.1 mm है, तो आपकी एरर जो होगी उसमें रीडिंग आप लिख दोगे पहले ही कितनी, माइनस 0.1 mm तो आ ही चुकी है, ठीक है ना, प्लस टोटल डिविजन 10 है, माइनस कोइंसाइडिंग डिविजन 8 है, इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो ये मिलेगा आपको माइनस 1.2 mm। मैं फिर समझा रहा हूं, एरर कोई खास चीज नहीं होती है, एरर आप बस क्या करते हो, जब जॉज कनेक्टेड हैं उस समय वर्नियर कैलिपर की रीडिंग ले लेते हो। अब जनरली क्या होता है कि इतनी बड़ी एरर होती नहीं और सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है, तो मेन स्केल की तो कोई रीडिंग आ ही नहीं पाती है, हम सिर्फ क्या कर देते हैं, इस केस में आप देखो सिर्फ ये छोटी सी डिस्टेंस मेजर करनी थी, तो ये छोटी सी डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लेकिन अगर आप देखो कि एक वर्नियर स्केल का डिवीजन पीछे स्लाइड कर चुका है अगर, तो उतनी रीडिंग तो आएगी ही आएगी ना, तो बस वही करना था, 0.1 सेंटीमीटर होगा वो, तो माइनस 1 mm तो आ ही चुकी है, ठीक है ना। ट्राई करो जरा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एरर बताई गई है, तो अगर कुछ नहीं बोला है और साइन भी हम एरर के सामने देख रहे हैं पॉजिटिव ही है, नेगेटिव साइन नहीं लगा है, तो मैं मान लूंगा कि एरर क्या है हमारी, 0.9 mm की एरर है। अब आपको रिलेशन क्या दी गई है वर्नियर कैलिपर में कि 10 VSD ये इक्वल है 9 MSD के, और वही चीज 1 MSD ये इक्वल है 1 mm के, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो हम जानते हैं लीस्ट काउंट जो आता है 1 MSD माइनस 1 VSD ये कितना आ जाता है, ये आता है 0.1 मिलीमीटर, ये तो मैंने निकाल लिया लीस्ट काउंट। अब मुझे क्या करना है, सिंपली बस रीडिंग लेनी है, तो पहले मैं मेजर्ड वैल्यू निकाल लेता हूं, मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, मेजर्ड वैल्यू आप अगर देखो तो वर्नियर कैलिपर का जीरो मेन स्केल में कहां पर है, तो अगर आप डायग्राम में देखोगे, देखो अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो तो मैं बना के दिखा रहा हूं, यहां पर देखना है हमें, तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा बनाया गया है, 3 यहां पे है, उसके बाद यहीं तक हमें देखना है, उसके बाद वर्नियर का जो जीरो है वो यहां पे दिया गया है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि दो डिविजन्स के बाद वर्नियर का जीरो यहां पर है, और उसके बाद फिर हमें चेक करना होगा कोइंसाइडिंग डिविजन। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग तो आई गई है, क्या आई है मेन स्केल रीडिंग, आप देख सकते हो 3.1 3.2, तो 3.2 तो रीडिंग आ ही चुकी है, प्लस अब आपको आगे और रीडिंग लेनी है, तो ये छोटी सी डिस्टेंस मेजर करनी है हमें एक्स्ट्रा, ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, ये हो जाती है कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो यहां पे अगर मैं कोइंसाइडिंग डिवीजन देखूं तो रीडिंग को क्या लिखेंगे हम,
3.2 सेंटीमीटर तो आ ही चुकी है, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन 3 इंटू लीस्ट काउंट हमें पता है कितना है 0.1, लेकिन वो किसमें है mm में, 0.1 mm, तो ये आपको मिलेगा 3.23 सेंटीमीटर, समझ आई बात। और अब इसमें से हमें क्या करना है, एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पता है रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, और क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर तो सिंपली क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है ना। तो मेजर्ड वैल्यू 3.23 माइनस, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम किससे करेंगे, 0.09 सेंटीमीटर, अगर उससे सेंटीमीटर में आप बदलोगे, 0.9 mm दी गई आपको एरर, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3.14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जैसे बताओ अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया है, द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर शोन इन फिगर 11 इज -0.5 mm, तो हाँ भाई, तो इसमें अब आपको बोला गया है कि नेगेटिव जीरो एरर है और आपको बताना है कि क्या आएगी रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि नाइन्थ डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, नेगेटिव जीरो एरर है और इसका जीरो 3 और 3.1 सेंटीमीटर के बीच में, तो रीडिंग क्या आ जाएगी, आपको दिख रहा है कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर तो है ही, प्लस अब आपको क्या देखना है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ मेजर करना है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन देख लेते हैं हम, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो नाइन्थ डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट हमारे वर्नियर कैलिपर का कितना है, तो वो है 0.1 mm, समझ आई बात, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, यह लीस्ट काउंट, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, तो ये मिलेगा 3.09 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आ गई है आपकी मेजर्ड रीडिंग। अब आपको पता है कि एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाती है, एक्चुअल रीडिंग हो जाती है मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, और एरर आपको पहले ही बताई गई है -0.5 mm, ठीक है ना। यानी सिंपली मैं कह दूंगा कि फाइनल रीडिंग आ जाएगी 3.09 सेंटीमीटर, ठीक है ना, -0.5 mm को भी सेंटीमीटर में अगर बदल लेंगे तो वो हो जाएगा -0.05 सेंटीमीटर, तो ये आपको मिल जाएगा 3.14 सेंटीमीटर, समझ आया। अगला क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, आपको जीरो एरर और जीरो करेक्शन के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी हैविंग जीरो एरर, बिल्कुल सही बात है, यही तो डेफिनेशन थी। बी ऑप्शन है, जीरो एरर इज पॉजिटिव व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, आंसर बी आ गया, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट किसे बोला जाता है बताओ। तो वर्नियर कांस्टेंट बेसिकली क्या हो जाता है, वो वैल्यू जो किसी वर्नियर कांस्टेंट के लिए हमेशा क्या रहे, फिक्स्ड रहे, वो क्या हो जाता है, किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, सी पार्ट में किसी को डाउट है, जीरो करेक्शन हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो एरर बट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द साइन ऑफ द एरर, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव जीरो एरर में नेगेटिव करेक्शन, नेगेटिव जीरो एरर में पॉजिटिव करेक्शन, ये तो हम पढ़ ही चुके थे पहले, ठीक है ना, तो साइन तो ऑपोजिट रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ईयर कांस्टेंट, यानी कि आपको बताना है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो ए ऑप्शन है, इट इज द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, नहीं, लीस्ट काउंट पूछा गया है। बी पार्ट, इट इज द वैल्यू ऑफ वन ईयर स्केल डिविजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वन ईयर स्केल, नहीं। सी पार्ट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिविजन एंड वन वन ईयर स्केल डिविजन, सही बात है, इट इज ऑल्सो द लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर, अच्छी बात है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था काफी। सेवेंथ क्वेश्चन ट्राई करो जरा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर मत देखना जब तक आप सॉल्व नहीं कर लो पूरा क्वेश्चन, पढ़ लो।
The smallest division on the main scale of vernier caliper is 1 millimeter and 10 vernier scale divisions coincide with 9 main scale divisions. While measuring the length of a line, the zero mark of the vernier scale lies between 10.2 and 10.3 centimeter. Third division of vernier scale coincides with the main scale. Determine the least count of caliper and length of the line. सभी लोग ट्राई कर लो. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. एक तो मुझे दिया गया है एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है, वो बताया गया है 1 मिलीमीटर है. रिलेशन दी गई है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स ये इक्वल है 9 मेन स्केल डिविजन्स के. तो यहां से मैं एक वीएसडी की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि होगी 0.9 एमएसडी और एक एमएसडी 1 एमएम है, यानी कि एक वीएसडी हमें मिल जाएगा कितना, एक वीएसडी आपको मिल जाएगा 0.9 एमएम. तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, ये तो हम कई बार निकाल चुके हैं, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी यानी कि 1 एमएम माइनस 0.9 एमएम यानी कि 0.1 एमएम. ये हो गया लीस्ट काउंट. अब पूछा गया लेंथ ऑफ द लाइन, तो उन्होंने कहा जीरो मार्क ऑफ द स्केल लाइज बिटवीन 10.2 एंड 10.3. तो 10.2 और 10.3 के बीच में लाई कर रहा है वर्नियर स्केल का जीरो, यानी 10.2 तो है ही पर उससे थोड़ी सी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है. तो हमें पता है जो थोड़ा सा ज्यादा है वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 10.2 प्लस उन्होंने बोला है थर्ड डिविजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है 3 इंटू लीस्ट काउंट है 0.1. समझ आ रही बात, ये मिलीमीटर के अंदर है और ये किसमें है, सेंटीमीटर में. बस यही आपको याद रखना है, ये एमएम में है और ये सेंटीमीटर में है. तो ये आपको मिल जाएगा 10.2 प्लस 0.03 सेंटीमीटर और आंसर हमें मिलेगा 10.23 सेंटीमीटर. समझ आया. अगला क्वेश्चन ट्राई करो, एट्थ क्वेश्चन जो है, बताओ क्या आंसर आएगा. तो एट्थ क्वेश्चन है कि मेन स्केल ऑफ द कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर एंड 19 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल टू 20 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल. इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स एंड फोर्थ डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल. लीस्ट काउंट बताना है आपको और रेडियस ऑफ सिलेंडर बताना है. ध्यान से करना. एक आपको बताया गया है कि एक मेन स्केल डिविजन कितना है, तो वो आपको बताया गया है 1 मिलीमीटर है. ठीक है, और दिया गया है रिलेशन 19 एमएसडी इज इक्वल टू 20 वीएसडी. तो एक वर्नियर स्केल डिविजन में निकाल सकता हूं जो कि आ जाएगा 19 बाय 20 मेन स्केल डिविजन. तो एक वर्नियर स्केल डिविजन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 वीएसडी हमारे पास आ जाएगा 19 बाय 20 मिलीमीटर 0.95 mm. ये आपको मिल गया 1 वीएसडी. तो अब सिंपली मैं लीस्ट काउंट बता सकता हूं, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी. तो लीस्ट काउंट आपको मिल जाएगा 1 mm माइनस 0.95 mm, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 0.05 मिलीमीटर. ठीक है ना, यहां मैं क्या कह सकता हूं, 0.005 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि अब आपको उसका रेडियस बताना है. तो उन्होंने कहा है कि जब हमने उस सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के बीच में फिट किया तो मेन स्केल ने रीड किया, मेन स्केल ने रीड किया 35 डिविजन्स, यानी 35 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल जितनी लेंथ तो है ही, प्लस फिर हमें देखना है छोटी सी लेंथ किससे होगी, कोइंसाइडिंग डिविजन वाली. तो रीडिंग आपकी क्या आ जाएगी, 35 डिविजन्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 35 इंटू 1 एमएम, क्योंकि मेन स्केल का एक डिविजन 1 एमएम का है. तो 35 डिविजन्स कितने होंगे, 35 एमएम के होंगे. हम देखेंगे कोइंसाइडिंग डिविजन जो कि फोर्थ है और लीस्ट काउंट हमारे वन ईयर कैलिपर का क्या है, 0.05 है एमएम में. तो ये आपको मिलेगा कितना, 35.2 मिलीमीटर, ये आ रहा है शायद, है ना. और अब हम निकाल लेंगे क्या, रेडियस, क्योंकि ये जो रीडिंग हमने ली है ये हमने ऑब्वियसली क्या निकाला है, डायमीटर निकाला है किसका, सिलेंडर का. तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, यानी रीडिंग का हाफ, यानी 35.2 बाय 2 क्या आ रहा है, 17.6 मिलीमीटर या 1.76 सेंटीमीटर. अपने आप से करना.
क्वेश्चन नंबर 9 है, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, यानी कि इसके अंदर एरर होगी, ठीक है ना, एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल. Furthermore, while measuring the diameter of the sphere, the zero mark of the vernier scale lies between 2.4 and 2.5, and the sixth vernier scale division coincides with the main scale. Calculate the diameter of sphere. क्या आएगा diameter? तो अब देखो क्या क्या hint है हमारे पास. उन्होंने बोला है कि zero of the vernier scale lies to the left of zero of main scale. यानी पहली चीज आपको पता लगी कि इसमें negative zero error है. समझ आई बात? और बोला गया है कि फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ. तो सबसे पहले मैं नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट कर लेता हूं. तो वो आ जाएगी नेगेटिव इनटू टोटल डिवीजन, अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम कितने ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन जो कि फिफ्थ है, और इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर. तो ये आपको मिल गई माइनस 0.05 सेंटीमीटर. ये है हमारे पास क्या, नेगेटिव जीरो एरर. अब रीडिंग के लिए बोला गया है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 2.4 एंड 2.5 सेंटीमीटर. यहां हमारी वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है, यानी रीडिंग 2.4 तो है ही, प्लस ये छोटी सी रीडिंग हमें एक्स्ट्रा और कैलकुलेट करनी है. तो इसके लिए हमें बताया गया है कि सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड किया है मेन स्केल से. तो सिक्स्थ कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. तो ये आपको मिला 2.46 सेंटीमीटर. ये आ चुकी है आपकी क्या, मेजर्ड रीडिंग. एक्चुअल रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल रीडिंग आपको मिलती है मेजर्ड रीडिंग माइनस एरर. मेजर्ड रीडिंग हमारे पास आ चुकी है 2.46 सेंटीमीटर, माइनस एरर हमारे पास है माइनस 0.05 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर. ये मिलेगा आपको 2.51 सेंटीमीटर. देखो जरा टेंथ प्रॉब्लम है हमारे पास. टेंथ में बोला गया, इन एन एक्सपेरिमेंट एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल. इफ द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ डिग्री देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज. बताओ जरा क्या आएगा, ट्राई करो सभी लोग. टेंथ प्रॉब्लम तो बच्चों वाला सवाल है एकदम. आप क्या निकाल लोगे, 1 VST हो जाएगा 29/30 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 29/30 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन आपको पता है 0.5 डिग्री. तो ये मिल गया आपको 1 VST. लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VST, यानी कि 0.5 डिग्री माइनस 29/30 इंटू 0.5 डिग्री. तो ये आपको मिल गया कितना, 0.5 डिग्री बाय 30. समझ आई बात? ये हो जाएगा आपका आंसर. कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है आपका 1/60 डिग्री. अब एक कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने बताया भी था, क्या कि 1 डिग्री ये इक्वल हो जाता है किसके, 60 मिनट्स के, और 1 मिनट ये इक्वल हो जाता है 60 सेकंड्स के. तो आप देख सकते हो 1/60 डिग्री बेसिकली क्या है, 1 मिनट है. आंसर क्या हो गया आपका, 1 मिनट हो गया. किसी को कोई डाउट, इन पे चलते हैं सीधे. AIEEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. ट्राई करो, होता है क्या आपसे. बोला गया एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज मेजर्ड बाय अ स्पेक्ट्रोमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 58.5 डिग्री एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग is 9 divisions. Given that 1 division of the main scale corresponds to 0.5 degree and 30 division of the vernier scale matches with 29 divisions on the main scale, the angle of the prism from the above data is. तो आप देख सकते हो डेटा भी ज्यादा चेंज नहीं करते हैं मेंस वाले. तो AIEEE ने पहले ही ऐसा क्वेश्चन पूछा था और फिर वैसे ही पूछ लिया. क्या क्या बताया गया है, मेन स्केल की रीडिंग आपको बताई गई है. ये बताया गया है कि एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 डिग्री है, कोइंसाइडिंग डिवीजन आपको बताया गया है 9th है, और रिलेशन दी गई है कि 29 MSD इक्वल है 30 VST के.
तो सबसे पहले तो मैं लीस्ट काउंट निकाल लेता हूं, जो कि हो जाता है 1 MSD माइनस 1 BSD। यहां से हमें रिलेशन मिल भी चुकी है, 1 VSD विल बी इक्वल टू 29/30 MSD। पुट कर देते हैं, 1 MSD है 0.5 डिग्री माइनस 29/30 इंटू 0.5 डिग्री, तो ये आपको फिर से मिल गया कितना, 1/60 डिग्री। समझ आई बात? ये हमें मिल चुका है क्या, लीस्ट काउंट। अब आपको लीस्ट काउंट मिल गया है तो रीडिंग आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली रीडिंग हमारी हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग, जो कि आपको दी गई है 58.5 डिग्री प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन जो कि है 9th इनटू लीस्ट काउंट 1/60 डिग्री। समझ आई बात? इसे हमें सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा ये, तो ये हो गया अपना 3/20 यानी 0.15। बिल्कुल सही है, ये आ गया आपका 58.65 डिग्री, यानी कि आंसर था सी। चलो ये ट्राई कर लो, 15th प्रॉब्लम ट्राई करो सभी लोग। डेप्थ, तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि मेन स्केल रीडिंग 3.48 सेंटीमीटर है, कोइंसाइडिंग डिवीजन 6th है, वर्नियर कांस्टेंट यानी कि लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर है, और आपके इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है वो -0.03 सेंटीमीटर है, यानी -0 एरर। आपको एक्चुअल रीडिंग बतानी है, तो पहले तो मैं मेजर्ड रीडिंग ही निकाल लूं, तब तो एक्चुअल बता पाएंगे। तो मेजर्ड तो क्या हो जाएगी, 3.48 तो है ही, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन यानी कि 6 इनटू लीस्ट काउंट 0.01, ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 3.54 सेंटीमीटर। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है। अब रीडिंग के बारे में हमें पता है, रीडिंग क्या हो जाती है, मेजर्ड वैल्यू यानी कि 3.54 सेंटीमीटर माइनस एरर, और एरर खुद ही नेगेटिव है, यानी कि 3.57 सेंटीमीटर।